अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो पेरेन? पेरेन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आई शॉपिंग वेबसाइट से पैसे किस तरह कमाते हैं। अगर आपको आई शॉपिंग डॉट पी के वेबसाइट से पैसे कमाना है तो आप आसानी से कमा सकते हो। तो पेरेन, ये पाकिस्तानी वेबसाइट है। अगर आपको इस वेबसाइट के बारे में पता नहीं है तो आज आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह का वेबसाइट है। अगर आपको इस वेबसाइट से पैसे कमाना है तो आप आसानी से कमा सकते हो। तो आप इधर से देख रहे हैं कि मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है आपके सामने। ये काफ़ी बड़ा वेबसाइट है। मैं कभी-कभी इस वेबसाइट से शॉपिंग भी करता हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बता दूँ कि इस वेबसाइट से अर्निंग किस तरह करते हैं और पैसे किस तरह कमाते हैं। तो आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ कि आपको इस वेबसाइट से पैसे किस तरह कमाना है। तो आप इधर से इस वेबसाइट को देख रहे हो कि आपको इस वेबसाइट के अंदर आपको काफ़ी प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आपको इस वेबसाइट से शॉपिंग करना है तो आप इस वेबसाइट से आसानी से शॉपिंग कर सकते हो। तो आप इधर से देख रहे हो कि मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है, आपको इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट से अर्निंग किस तरह करते हैं तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि आपको अर्निंग किस तरह करना है। वीडियो को डिटेल के साथ देखो, वीडियो को स्किप मत करो। मैं आपको एक-एक करके समझाता हूँ, डिटेल के साथ आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर वक्त इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बात स्टार्ट करते हैं कि इस वेबसाइट से पैसे किस तरह कमाते हैं। आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। इस वेबसाइट से पैसे किस तरह कमाते हैं? तो फिर आपको पता है कि जितने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है उस वेबसाइट से पैसे कमाते हैं एफिलिएट से। अगर आप एफिलिएट करते हो तो आप इन वेबसाइट से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। जिस तरह के दराज है, गो टू डॉट पी के है, आप उस वेबसाइट से किस तरह पैसे कमा रहे हो तो आप इस वेबसाइट से उसी तरह पैसे कमा सकते हो। आपको रूल फॉलो करना है। जब आप रूल को फॉलो करोगे तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। आपको काम करना है, बगैर काम में पैसे आपको नहीं मिलेगा। जब आप काम करते हो तो आपको पैसा मिल जाएगा। इस वेबसाइट से एफिलिएट किस तरह करते हैं और इसका एफिलिएट का अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको एक-एक करके आपको तरीका बताता हूं कि आपको क्या करना है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके सामने ये वेबसाइट इस तरह ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इधर से रजिस्टर करना है। पहले आपको इस वेबसाइट के अंदर एक अकाउंट बनाना है। जब आप इस वेबसाइट के अंदर अकाउंट बनाते हो ना, तो आप इस वेबसाइट से फिर शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपको शॉपिंग करना है तो फिर आप इस वेबसाइट से शॉपिंग करते हो, क्योंकि आपके पास अकाउंट है, आपको रजिस्टर करना है। जब आपने रजिस्टर कर लिया तो फिर आपको एफिलिएट का अकाउंट बनाना है। जब आप एफिलिएट का अकाउंट बनाते हो तो फिर आप उस एफिलिएट अकाउंट के ज़रिए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। एफिलिएट का अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। वीडियो को डिटेल के साथ देखो, वीडियो को स्किप मत करो। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि आपको किस तरह इस वेबसाइट से पैसे कमाना है। तो आपको क्या करना है? आपको ये सेलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इधर आना है, रजिस्टर करना है। जिसके पास इसका सेलर अकाउंट है तो वो इधर से लॉगिन कर सकता है। अगर आप न्यू बनाना चाहते हो तो आपको इस रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन इस तरह आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको पहले इसका अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। आपको पहले मेरे बातों को ठीक से सुनो कि मैं क्या कहता हूँ, आपको उस तरह काम करना है। अगर आप वीडियो को इधर से मिस कर रहे हो, अगर आप स्किप कर रहे हो, तो फिर आपके समझ में नहीं आ जाएगा, फिर आपको अर्निंग नहीं होगा, फिर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो फिर आप कमेंट करते हो ये हो गया, वो हो गया।
आपको पहले ठीक से सुनना है कि आपको किस तरह काम करना है। जब आप इस सेलर के अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपके सामने इधर आप देख रहे हो 6 स्टेप आ गया। आपको इन 6 स्टेपों को कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आप इन 6 स्टेपों को कंप्लीट करोगे तो आपका एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको पहले अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, पहले मेरे बातों को ठीक से सुनो कि मैं क्या कहता हूँ, फिर आपको एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको ये 6 स्टेप पूरा करना है। आपको अपना अकाउंट इधर से वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। आप अपने मोबाइल नंबर से कर सकते हो और एक जीमेल अकाउंट से कर सकते हो। आपको इधर नीचे अपना ईमेल देना है, ठीक है। जब आप अपना ईमेल देते हो तो फिर आपको इस ऑप्शन में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते हो आपके ईमेल में एक वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा, तो फिर आपको उधर से अप्रूव करना है। जब आप अप्रूव करोगे तो आपके सामने ये तीसरा स्टेप आ जाएगा, ठीक है। आपको फिर ये तीसरा स्टेप मुकम्मल करना है। फिर आपको ये चौथा स्टेप मुकम्मल करना है, स्टोर नेम, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में ठीक से समझाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो फिर आपको अपना इधर से बैंक डिटेल देना है, फिर आपको इधर से रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करते हो तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। स्टोर नेम, स्टोर नेम क्या है? आपको अपना एक वेबसाइट का नाम, आपको अपना एक यूट्यूब चैनल का नाम इधर देना है। जब आप इस वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट उठाओगे तो आप उन प्रोडक्टों को कहाँ शेयर करोगे, उनका लिंक कहाँ शेयर करोगे, आपको उस प्रॉपर्टी का लिंक आपको इधर देना है कि मैं उस प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूँ, उस वेबसाइट में काम कर रहा हूँ, या कि उस यूट्यूब चैनल में काम कर रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये मेरा वेबसाइट का लिंक है। जब आप अपना स्टोर का लिंक इधर देते हो तो फिर आपको उसके ज़रिए अर्निंग होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है और आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना है। आपको इन दोनों में से जो आपको आता है आपको एक में काम करना चाहिए। अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करना है तो आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आपने वेबसाइट क्रिएट किया तो फिर आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट के अंदर आ जाना है। आपको जिस कैटेगरी से काम करना है ना, आपको उस कैटेगरी के रिलेटेड आपको इधर से टॉपिक चुनना है। आपको बहुत से कैटेगरी इधर से मिल जाएगा। जब आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट किया तो आपको उस कैटेगरी के रिलेटेड आर्टिकल लिखना है। जब आपने आर्टिकल लिख लिया तो फिर आपको आर्टिकल अपने वेबसाइट में पब्लिश करना है। आपको अपना वेबसाइट ठीक ठाक से रैंक कराना है। जब आपने अपना वेबसाइट रैंक किया तो आप अपने वेबसाइट को देखो कि आपके वेबसाइट में पर डे ट्रैफिक कितना आ रहा है। अगर आपके वेबसाइट में पर डे 400-500 ट्रैफिक आ रहा है तो फिर आप इस वेबसाइट में आके अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको जिस कैटेगरी से काम करना है उस कैटेगरी के रिलेटेड आपको वीडियो बनाना है। आपको वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करना है। आपको पहले अपना यूट्यूब चैनल ठीक ठाक से रैंक कराना है। जब आपका यूट्यूब चैनल रैंक हो गया तो आपको उस प्रोडक्ट का लिंक अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। जो उस लिंक को क्लिक करेगा डायरेक्ट वो आई शॉपिंग वेबसाइट में आके पहुंच जाएगा, उस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो फिर आपको कमीशन मिल जाएगा। अगर आपके वेबसाइट में जो बंदा चला गया, अगर उस लिंक को क्लिक किया, इस आई शॉपिंग वेबसाइट में आके पहुंच गया, उस प्रोडक्ट को बाय किया, तो आपको कमीशन मिल जाएगा। पहले आपको वेबसाइट बनाना है, यूट्यूब चैनल बनाना है, रैंक कराना है, तो बाद में आपको लिंक इधर से उठाना है और अपने वेबसाइट में ऐड करना है। जो उस लिंक को क्लिक करेगा, बाय करेगा, तो आपको कमीशन मिल जाएगा। आपका कमीशन easypaisa.pk के वेबसाइट के वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो फिर आप इनका पेमेंट इजी पैसा से भी ले सकते हो। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट से भी ले सकते हो। अगर आपको इस वेबसाइट से काम करना है तो आप इस वेबसाइट को ओपन करो, इसका एफिलिएट सेक्शन ओपन करो, अकाउंट क्रिएट करो, ठीक से काम करो। जब आप ठीक से काम करोगे, वर्क करोगे, तो आपको अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। तो मेरा काम है कि आपको बताना। अगर आपको काम करना है तो आप काम कर सकते हो, अगर आपको काम नहीं करना है तो फिर आप पैसे कमा नहीं सकते हो। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।
क्योंकि मैं आपके लिए हर वक्त इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।